बिहार सरकार के व्यवस्था की एक बार फिर पोल खुली है। हम बात कर रहे हैं सरकार के परिवहन विभाग की सरकारी बस की, जो चलते चलते पाइप फट जाने से उसमें जबरदस्त धुआं उठने लगा, जिससे यात्री सहित आसपास के लोगों में अफड़ा तफड़ी का माहौल हो गया। वहीं इस पूरे घटना का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड क्षेत्र के खड़गपुर बड़ियारपुर मुख्य पथ NH 333 बहिरा गालमपुर गांव के दुर्गा स्थान के समीप जा रही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस में तब अफरा तफरी मच गई, जब अचानक बस में भयंकर धुआं निकलने लगा। इसे देखते ही बस में बैठे यात्री तो बस से कूदने ही लगे, साथ ही आसपास के उस स्थान के ग्रामीण भी भागा भागी करने लगे। वहीं कुछ साहसी लोगों ने बस के नजदीक सटकर ड्राइवर का सहयोग करते हुए आग और धुएं पर काबू पाया। वैसे बस से निकल रहे धुएं का कारण इंजन के समीप कोई पाइप फट जाने का था, जिससे अत्यधिक धुआं निकल रहा था। वहीं समाज सेवी मुकेश सिंह ने कहा कि चिंता की बात यह है कि यदि सरकार की बस की यह स्थिति रहेगी तो लोग अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करेंगे। आज तो यह घटना टल गई, लेकिन कल दिन इसी तरीके से बड़ी घटना हो सकती है। इसके जिम्मेवार सिर्फ बिहार सरकार उसकी संबंधित विभाग होगी। इसलिए सड़क पर चल रहे ऐसे जर्जर बसों का सही रूप से जांच हो, उसकी मरम्मत हो, और यदि ज्यादा पुरानी बस हो गई है तो उसे हटाकर नए बस का परिचालन शुरू कर दिया जाए। मुंगेर से न्यूज 18 के लिए सिद्धांत राज।